आज हम बात करने वाले हैं ट्रिप्टोमर टैबलेट के बारे में, जिसका कंपोजिशन होता है एमीट्रिप्टाइलिन। ये आपको मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, जैसे कि 10, 25, 50 और 75 mg में मिल जाती है। जो एमीट्रिप्टाइलिन है वो एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्लास की मेडिसिन होती है। अब आपको इसके क्लास से ही पता चल रहा होगा कि ये डिप्रेशन, बेचैनी, तनाव को कम करने में काम आती है और एंटी डिप्रेसेंट होती है। डिप्रेशन जो कि एक मानसिक बीमारी होती है, यह कुछ देर तक रहती है, फिर अपने आप इंसान का माइंड ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं तो यह डिप्रेशन उनके दिमाग में घुस जाता है और फिर इसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उस वक्त उन लोगों को यह टैबलेट दी जाती है ताकि उनका जो भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उससे आराम मिल सके, वो ठीक हो सके। और इसका यूज न्यूरोपैथिक पेन में भी किया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन मतलब नसों में दर्द। इसमें आपको सुइयों के चुभने जैसा अनुभव होना, जलन होना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना और बहुत ही तेज दर्द होता है, ऐसे ही कुछ लक्षण दिखाई देते हैं इसके। तो इसमें भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और यदि आपको टेंशन की वजह से बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा हो तो भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन माइग्रेन एक जो न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है, इसमें रह रहकर सर में एक तरफ बहुत ही चुभन भरा दर्द होता है और काफी बार ये दर्द इतना तेज हो सकता है कि ऐसा लगे कि मानो बस सर फटने ही वाला हो। तो इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और कई बार इस टैबलेट का यूज नींद ना आने की समस्या में भी किया जाता है, क्योंकि जो इसकी एक सीडेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, इसी वजह से कई बार डॉक्टर इसे नींद ना आने की समस्या में भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और इस टैबलेट को जो 6 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी कई बार दिया जाता है। अगर वो रात में जैसे बिस्तर पर टॉयलेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी कई बार इस टैबलेट का यूज डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, आपको इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको हेडेक हो सकता है, मतलब सर में दर्द हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट आपकी चल सकती है, जो दिल की धड़कन है वो ऊपर नीचे हो सकती है, आपका जो ड्राई माउथ है मतलब मुंह सूख सकता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, वेट गेन हो सकता है और आप बोलने में हकला सकते हो। तो ये कुछ इसकी प्रॉब्लम हो सकती है जो इसके साइड इफेक्ट्स है, ये देखने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। जो डोज रहती है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है, बट इसे ज्यादातर रात में सोते वक्त लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपको रिसेंटली हार्ट अटैक आया हुआ हो तो इस टेबलेट का यूज बिल्कुल भी ना करें। या फिर आपको लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज, शिजोफ्रेनिया, सीजर्स, डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज को ये कम या ज्यादा कर सकता है, तो ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि इन केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही सावधानी पूर्वक दी जाती है। होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।